सो द डाइट वॉज सुपर इजी, बट द वर्कआउट, लोअर बैक पेन, कांट फील माई लेफ्ट लैट्स, थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं है, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो, और डोमिनेंट थॉट, यू आर सुपर वीक। सोच के ही ना फट जाती है, मतलब वाले मोमेंट्स को सोच के ही। बट उन सारे मोमेंट्स, उन सारे थॉट्स, उन सारी फीलिंग्स के बीच में एक छोटा सा थॉट तू कर लेगा, एंड इट इज पॉसिबल 200%। तो वर्कआउट शेयर करने से पहले, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट करा वो दिखने में बहुत इजी लग रहा है और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि वो इतना इजी नहीं था। वो अभी बहुत इजी लग रहा है, बट उस टाइम पे वो बहुत डिफ़िकल्ट था। वो लग रहा था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही हार्ड था और बहुत ही मुश्किल था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बंदा किसी भी इंजरी में अपना कमबैक करना चाहता है, पॉसिबल है। वो मोमेंट्स टफ होंगे, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत रगड़नी पड़ेगी, नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मोटिवेशन लाना पड़ेगा, ज़्यादा ऑब्सेशन शो करना पड़ेगा, बट एट द एंड तू बहुत ज़्यादा खुश होगा जब तू उस फेज से निकल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल तो है। वो पॉसिबल है तो है, बट बीच में थोड़ी डिफ़िकल्टीज है। तो बस इतना ही। अब मैं तुम्हारे साथ अपना वर्कआउट शेयर करता हूँ। तो अगर तुमने जस्ट पिछली वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें तुम्हारे साथ अपनी डाइट शेयर करी। नो फैट लॉस, नो मसल बिल्डिंग, जस्ट स्ट्रेंथ वाइज खाना है तो खाना है। सेम चीज़ फॉलो होती है वर्कआउट पे। ना ही पावर लिफ्टिंग करनी है, ना ही रेप्स काउंट करने हैं, ना ही सेट्स पे फोकस करना है, ये सब एक्सरसाइज करनी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। स्टार्टिंग के 3-4 महीने पूरा का पूरा वर्कआउट ही अलग था, और उस वर्कआउट की वजह से ही आज मैं तुम्हारे सामने इतना खुश नज़र आ रहा हूँ और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले, जब मेरे लोअर बैक पे पेन था और मेरा लेफ्ट लैट मुझे फील नहीं हो रहा था, और मैं अपना वर्कआउट करने जा रहा था, बहुत मुश्किल था, तो मेरे सामने दो कंडीशन आ रही थी उस टाइम पे। कंडीशन नंबर 1, जब मैं जिम पे गया उस टाइम पे मैं इतना वीक था और इतना ज़्यादा अपनी इंजरीज पे फोकस करने वाला इंसान था कि मुझे वो सारी एक्सरसाइजेस बार बार रिपीट मोड में दिखती थी, जो एक्सरसाइजेस मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंजरीज से पहले मैं जिम पे 20 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता था खाली, अप्रॉक्सीमेटली। और जब मैं इंजरी के बाद गया तो मैं अब 5 एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास रिमेनिंग 15 एक्सरसाइजेस बचती हैं जिनको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ एफर्टलेसली, बट मेरा दिमाग मुझे बार बार नेगेटिव लूप में ले जा रहा था ये बोलते हुए कि तू 5 एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता है। और मैं बार बार वही सोचता था कि मैं 5 एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता हूँ, बट मैं 15 एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन ब्रेक करी कि मैंने अपने वर्कआउट से वो सारी एक्सरसाइजेस हटा दी जिसमें मुझे अपना लैट फील होता है, या फिर दर्द होता है, या फिर मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। और मैंने अपना सारा का सारा माइंड सेट कर दिया उन 15 एक्सरसाइजेस पे जो मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने जो जो एक्सरसाइजेस अपने लिए कम्प्लीटली हटा दी थी, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कि क्या क्या एक्सरसाइजेस मैंने नेगलेक्ट करी। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी, तो उस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन को हम साइड में रखते हैं। सेकेंड कंडीशन, तो जब इंजरीज से पहले मैं कोई भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता था, फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ और मैं उसकी 15 रेपिटेशन परफॉर्म करता हूँ। तो इंजरीज से पहले जब मैं 15 रेपिटेशन मार रहा होता हूँ तो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं। पहला, मैं उस बंदे को इमेजिन कर रहा हूँ जिसके जैसे मुझे शोल्डर चाहिए। दूसरा,
मैं अपने आप की एक बहुत ही तगड़ी इमेज बना रहा हूँ जिसमें मेरे शोल्डर बहुत बड़े हो चुके हैं। थर्ड, या फिर मैं किसी से कंपीट कर रहा हूँ वर्कआउट करते वक्त। तुम अपनी इमेज में कुछ भी बना सकते हो यार, बट मैं 5-4 चीज़ें सोचता हूँ, उसी से मेरा वर्कआउट में मुझे पुश करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में देख रहा हूँ मैं क्या बन रहा हूँ, मेरे कोट्स, मेरा मोटिवेशन, मेरा बुरा वक्त, हर एक चीज़ सोचता हूँ मैं जो मुझे पुश करता है उस मसल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। बट जब मैं वापस से वर्कआउट करने आया आफ्टर माई इंजरी, अब मैं जब एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ एक रैप परफॉर्म करने के बाद अच्छा दर्द नहीं हुआ, दो रैप परफॉर्म अच्छा इसमें दर्द नहीं हो रहा, तो मेरा सारा का सारा फोकस मेरी ग्रोथ से शिफ्ट हो गया था मेरे पेन पे। मुझे अब पेन नहीं हो रहा है, मुझे अब पेन नहीं हो रहा है, मुझे अब पेन नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए कम्फर्टेबल है। तो 2-3 महीने मुझे इसमें ही टाइम लग गया कि अपने माइंड को शिफ्ट करना है फ्रॉम माय पेन टू व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। इस शिफ्ट में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो ये चीज़ थी जो मेरी सेकंड कंडीशन को हर बार रोक रही थी। तो मैंने इसका सलूशन कैसे निकाला, मैंने कहा मुझे मसल माइंड कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे नहीं महसूस करनी अपनी मसल को, मैंने बस अपने आप को नंबर्स का गोल दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं शोल्डर प्रेस परफॉर्म कर रहा हूँ 10 किलो के डंबल से, तो मैंने अपने आप को बोला मैंने 15 रेप्स मारने हैं, 1, 2, 3, 4 कॉन्स्टेंटली दिमाग में सिर्फ रेप्स काउंट करे, और 15 मतलब 15, 15 मतलब 15। मुझे नहीं सोचना कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मुझे नहीं सोचना कि मैं क्या बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस था मेरे पेन पे और मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। तो मैंने अपने दिमाग में सब चीज़ को साइड रखा और अपने आप को हर दिन चैलेंज दिया कि आज 25 रेप्स मारूंगा, आज 30 रेप्स मारूंगा, आज इस एक्सरसाइज में इतने के डंबल से इतना मारूंगा। और मैंने कभी भी अपने आप को ये लिमिटेशन नहीं दी कि मैं इंजर्ड हूँ तो मैं 10 किलो से शुरू करूँगा। मैं गया जिम पे, मैंने सबसे पहले 15 का डंबल उठाया, अच्छा मेरे लिए ईजी है लेट्स गो फॉर 20, अच्छा मेरे लिए ईजी है लेट्स गो फॉर 25। जब मुझे लगा कि हाँ 25 पे मेरे 8-10 और स्ट्रगल हो रहा है, मैंने कहा इस डंबल से हम शुरुआत करेंगे और 25 से शुरू करके फिर हम 35 पहुँचे हर एक चीज़ में, ठीक है। डंबल रोइंग में 25 से 65 वी आर सुपर स्ट्रांग। ये था जो मतलब ओवरकम करना पड़ा मुझे अपने वर्कआउट के टर्म्स पे। अब बात आती है कि मैंने कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करा। सिंपल सा, मुझे बस वो वर्कआउट्स करने हैं जिस पे मुझे पेन नहीं होता है, जो जो एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करनी है। तो मैंने एक रूटीन बनाया, मंडे को शोल्डर, ट्यूसडे को बैक, वेंसडे को शोल्डर, रिपीट। अगर कोई बंदा मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहा है, आई डोंट ट्रेन माई चेस्ट एंड ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने इस वर्कआउट को लगातार फॉलो करा, कोई भी चेंजेस नहीं, कोई रेप रेंज नहीं, कोई सेट रेंज नहीं, बस जाना है जिम पे फेलियर कैसे अचीव करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कैलिस्थेनिक्स पे नहीं करते कि एक दिन में हमने 50 पुशअप्स माने, वही रूटीन अगर डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, तो पुलअप्स में 200 पुलअप्स मार दूंगा। सिंपल, स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, तो एक ऐसी मशीन ढूंढी या फिर एक ऐसी एक्सरसाइज ढूंढी जिसमें लेग्स को मैं फील कर पा रहा हूँ, तो उस पर 15, 20, 25, 30 जितने रेप्स पढ़ सकते हो उतने रेप्स पढ़े। सारे बॉडी बिल्डिंग के लॉजिक्स भाड़ में जाएं, सारे मसल बिल्डिंग के लॉजिक भाड़ में जाए, मैंने बस जिम में जाना है और अपना बदन तोड़ना है। सिंपल, मैंने बहुत सारी हैवी वेट के साथ फार्मर वॉक करी। मतलब तुम समझ जाओ, जो जो एक्सरसाइजेस तुम मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हो, मैंने वो सब साइड में रखी, बस उस पर फोकस करा जो मैं कर सकता हूँ। अगर शोल्डर प्रेस कर सकता हूँ तो शोल्डर प्रेस में दूंगा अपना 100%, अगर बॉडी वेट स्क्वाट्स में तो बॉडी वेट स्क्वाट्स मारूंगा। बस उन चीज़ों को साइड करा जो चीज़ें पेन करा रही हैं, उन चीज़ पे फोकस करा जो चीज़ मैं कर सकता हूँ। बस इसके साथ मैंने अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी, नहीं उसके साथ मैंने शुरुआत करी। और 3-4 महीने बाद फिर जब मैं ठीक हो गया था, फिर मैंने वही बॉडी बिल्डिंग वाला स्टफ़ शुरू करा, 4 सेट 15 की रेप रेंज। और ये मेरा वर्कआउट था जो मैंने अपनी इंजरी के जस्ट बाद यूज़ करा, एंड दैट वाज ऑल।
तो अगर मैं आज के वीडियो को समअप करना चाहूँगा, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए और जो चीज़ तुम कर सकते हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे हाथों पे है ही नहीं, इतना ही समझो। डोंट फोकस ऑन योर इंजरी, इंस्टेड फोकस ऑन दोज स्मॉल थिंग्स जिसको तुम परफेक्टली कर सकते हो। यही है आज की पूरी वीडियो का कंक्लूजन, फोकस ऑन दोज थिंग जो तुम कर सकते हो, ना कि उन सारी चीज़ों को जिनको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते या फिर जो चीज़ तुम परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सेम विथ एक्सरसाइज, सेम विथ लाइफ, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंजॉय।